हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? है आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज की रेसिपी है पनीर की सब्जी, और झटपट बन के तैयार होती है। हाँ, पहली बात, आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, आप सबको बधाई हो रक्षाबंधन की। मैं बना रही हूँ पनीर, बहुत झटपट बन के तैयार होती है। इसमें डाला मैंने देसी घी से बनती है गाइस, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है और मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी है मेरी आंटी हैं, एक शशि रानी उनका नाम है, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, बहुत मज़ेदार खाना बनाती हैं। ये उनकी रेसिपी है, तो उनके स्टाइल से बना रही हूँ आज मैं। तो देखो ये पनीर कैसे बनाती हूँ। देसी घी में मैंने डाला है जीरा, 1 टेबलस्पून जीरा डाला है, और मैंने चॉप किया हुआ धनिया डाला है तड़के में, वो भी ऐसे ही डालती हैं, और बहुत स्वादिष्ट होता है गाइस। मैंने उनका हाथ का खाना खाया, बहुत टेस्टी बनाती है। और मैंने चार पांच मीडियम साइज़ के प्याज लिए, प्याज ज़्यादा डालना है इसमें, आधा किलो पनीर था तो इसलिए 400 ग्राम के करीब प्याज डालने हैं। कल रक्षाबंधन था तो सारी आई हुई थी मेरे घर पे, मेरी नंदे आई हुई थी, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनके लिए पनीर बनाया था जी। ये देसी घी में बनता है, देसी घी से बनाएं आप, एक बार टेस्ट करें, बना के टेस्ट करें, देखें बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको मैं थोड़ा मैरिनेट कर रही हूँ, मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, सौते कर रही हूँ, अच्छे से भून लूँगी इसको। इतना भी नहीं भूनना कि तो स्वाद चला जाए। देखो गाइस, मेरी नंदे रखड़ी बनती हैं मुझे, वो भी मेरी दो नंदे मुझे राखी बांधनी हैं। ये देखो, ये मैंने डाला है थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ, उसका टेस्ट ही अलग कुछ होता है। अदरक लहसुन वो राधे स्वामी है, वो अदरक लहसुन नहीं खाते, अदरक तो डालती होंगी पर मैं अदरक लहसुन, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसमें मैंने डाला है, ये मैंने ऐड किया हुआ है, पर वो नहीं डालती, पर मैं डाली हूँ। आप डाल के देखें, आप ही बनाएं ये बढ़िया तरीके से। हाँ, मैंने 5 टमाटर छोटे छोटे चॉप्ड किया है, 5 ही टमाटर रखे, जितना प्याज है उतना ही टमाटर रखें आप, तो मेजरमेंट ज़रूर रखें गाइस, तभी स्वादिष्ट बनती है। मैं तो अंदाजे से बना लेती हूँ क्योंकि मुझे डाल के आदत है। ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी, और 1/2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, सुर्ख मिर्च कहते हैं इसको, और थोड़ा सा गरम मसाला ये, और गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया डाली हूँ मैं, ये देखो, और इसको अच्छे से सोते करूँगी, मिक्स करूँगी, और इसी मसाले में मैंने मैरिनेट कर दिया पनीर को। हल्का सा सिम के रखना गैस, जब पनीर डालोगे तो गैस सिम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, पनीर ना टाइट होने लग जाता है, फिर ज़्यादा वो करोगे तो पनीर टाइट होने लग जाएगा, सिम रख देना। देखो गाइस कलर कितना बढ़िया लग रहा है, और मैंने लास्ट में एक नींबू निचोड़ा है, ये देखो बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, बहुत ही टेस्टी। वैसे पनीर के आइटम मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि वे उनके तरीके से बनाए, आंटी के तरीके से बनाए मैंने, बहुत टेस्टी बनती है, उनकी स्वादिष्ट लगती है मुझे उनके हाथ की सब्ज़ी, तो मैं कोशिश करी है मैंने बनाने की। देखो वैसे पनीर की भुर्जी सारी बनाती हूँ मैं, ये सब्ज़ी मैंने पहली बार बनाई है गाइस, मेरी पहली पनीर की सब्ज़ी है जो ऐसे बनाई हूँ मैं। आप भी टेस्ट करें, आप भी हमारे साथ आएँ, आप मेरी सब्ज़ियाँ टेस्ट करें और आप बताएं आपको कैसे लगती हैं। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखो कितना कलरफुल लग रहा है ना मेरी पनीर की सब्ज़ी, वो भी ऐसे ही।